For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज रात के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि होटल से निराश होकर लौटे नायरा और कायरव दोनों चले जाते हैं कायरव के स्कूल जहां पर नायरा कायरव को ड्रॉप कर देती है और फिर घर आ जाती है। घर आने के बाद नायरा की लीसा से बातचीत होती है और उस बातचीत के दौरान नायरा बहुत ज़्यादा परेशान है, लीसा ये बात समझ जाती है। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि छुट्टी के दौरान जब नायरा लेने जाती है कायरव को तो वो उसके लिए गिफ्ट लेकर जाती है और छुट्टी के समय कायरव दौड़ कर आ रहा होता है नायरा की तरफ। नायरा को लगता है कि कायरव गिफ्ट देखकर खुश हो गया और अब वो बिल्कुल भी उदास नहीं होगा, मगर तभी पीछे से कोई नायरा को धक्का देकर आगे की तरफ दौड़ता है और कायरव को जोर से हक कर लेता है। नायरा समझ जाती है कि ये कार्तिक है और फिर वो छुप जाती है। कार्तिक कायरव के साथ बहुत देर तक नायरा का इंतजार करता है स्कूल के बाहर, लेकिन नायरा नहीं पहुँचती और तब कार्तिक करता है नायरा को कॉल और उससे ये कहता है कि तुम कितनी लापरवाह माँ हो। वहीं नायरा ये सब कुछ चुपचाप सुनती है और आवाज़ बदल कर कार्तिक से ये कहती है कि प्लीज़ मेरे बेटे को तुम घर छोड़ दो और मैं किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ, इस वजह से मैं स्कूल नहीं आ पाई। फिर क्या था, कार्तिक अपना पूरा गुस्सा निकालता है नायरा पर और फिर कायरव को घर छोड़ने जाता है। यहाँ पर वो लीसा से कहता है कि बहुत लापरवाह है तुम्हारी फ्रेंड और मुझे लगता है वो तुमसे कोई बहुत बड़ा सच छुपा रही है। वहीं लीसा अपनी फ्रेंड की साइड लेती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पहली बात तो मेरी फ्रेंड मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती और दूसरी बात कि वो बिल्कुल लापरवाह नहीं है, ये पहली बार हुआ है जब कायरव को स्कूल में छोड़ दिया हो नायरा ने और वो नहीं पहुंची हो। हालांकि इस बातचीत के दौरान कार्तिक को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो ये जरूर सोचता है कि इस बच्चे से मुझे बहुत लगाव है, बस इसलिए मैं इसकी माँ को समझाना चाहता था कि बच्चे की केयर करे। फिर नायरा चुपके से पीछे खड़े होकर सारी बातें सुन रही होती है और मन में सोचती है कि वो कार्तिक को सब कुछ बताए या फिर नहीं, वो कार्तिक के सामने आए या फिर नहीं। यही सोचते सोचते नायरा वहाँ खड़ी रह जाती है और कार्तिक वहाँ से निकल जाता है। अब आपको बताते हैं कि कल के एपिसोड में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में वही दिखाया गया जो कि शुक्रवार को दिखाया गया था। अखिलेश नायरा को देख लेता है अपनी गाड़ी में से और फिर वो पहुंचता है होटल कार्तिक के पास। क्या अखिलेश ने नायरा से बातचीत की? क्या अखिलेश होटल जाके कार्तिक को नायरा की सच्चाई बता देगा? ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू ताकि आपके सामने इस सस्पेंस की पूरी अपडेट हम ला सके। टॉप न्यूज़ की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.